पिछले व्लॉग में आपने रायरेश्वर वाला फोर्ट देखा होगा, हम लोग वहाँ पे गए थे, ट्रैक में क्या दिक्कतें आई, क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जल्दी से जाके व्लॉग देखिए अगर देखा नहीं है तो, और रात को आत्यन हमारे लिए क्या बनाया था वो भी सारी चीज़ें शेयर की है। डिले मत किया करो यार, जल्दी से जाके व्लॉग देख लिया करो, इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि मेरे सारे व्लॉग की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये है घर के पीछे साइड का खेत, घर का पीछे साइड जो है ना वो उसका व्यू आपको देखने मिलेगा आज, तो बहुत ही प्यारा व्यू। साथ में आपको मोर भी दिखाऊंगी बहुत सारी, ये खेत में आते हैं मोर। मेरा भी एक सपना है कि मिलूं एक बार उस मोर पंख वाले से और पूछूं कि तूने जिंदगी के हर मोड़ पर अपना सब कुछ खोया, बता फिर कैसे तू हर बार मुस्कुराया। यहाँ पर एक इंसान रखना पड़ता है ताकि ये फसल को बर्बाद ना कर दे, और ये आते जाते रहते हैं। जैसे हमारे साइड में कामगार लोग होते हैं वैसे इधर कामगार लोग नहीं होते, इधर खेती में इंसान को खुद ही रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। और आप ये व्यू देख लो, मतलब घर को अगर बैक साइड की विंडो है तो वहाँ से आपको जो ये व्यू दिखने वाला है ना वो ये रहेगा। ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहिएगा आप ही बताइए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ये है हमारे घर की बिल्ली। ये बिल्ली ना जब भी कोई घर में आ जाता है, जब भी हम खाना बनाने लगते हैं, इसको बर्तन की आवाज़ आती है, तुरंत भागते हुए आ जाती है। इसको लगता है कि अब मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आते हैं, इसका नाम रकुबाई हुआ है। तो दीदी ने भी बनाया खाना, आज दीदी और जीजू की तबीयत खराब थी तो इसलिए आज का प्लान फ्लॉप हो चुका है, कहीं बाहर नहीं जाने वाले हम। बट आज भात लावनी होने वाली है और वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना। ये है इसका हस्बैंड, बट इनकी शादी नहीं हुई है और इनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो जब भी इसे कुछ खाने के लिए दो तो ये ना आए और इसको ना दिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये इतना दिखने में वाइट है, सफ़ेद है, बिल्कुल हैंडसम है वैसे दिखने में। इसकी शक्ल ना, शक्ल ही मासूम है सिर्फ, बाकी शैतान तो बहुत है वो। और ये बेचारी बहुत ही मासूम है बट हाथ नहीं लगाने देती है, जो इसको खाने को देंगे बस उसी को हाथ लगाने देती है, ऐसी है। तो मोर तो आपको पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी, आज मोर ही मोर है इधर। आपने वो मोर की कविता सुनी होगी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी होगी तो मैं सुना देती हूँ। खोलू जग पंख अपने और बरसात में नाचूं जोर जोर, हूँ मैं बड़ा चित्त चोर, हाँ मैं हूँ मोर, पक्षियों का मैं कहलाता हूँ राजा, मुरलीधर के मुकुट को मैं ही सजाता, हाँ मैं वही हूँ मोर। तो आपको ये कविता थी या नहीं थी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मोर की कौन सी कविता थी ना अपने क्लास टाइम में या अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जो भी था, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वो याद है या नहीं है। कोई कहावत शायरी कुछ भी होगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पर पीछे साइड में मैं ऐसे घूमते घूमते गई तो यहाँ पर मुझे लांडोर बैठा हुआ दिखा, जो मोर था वही, तो मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया। इधर इतने मोर आते हैं मतलब फसल बर्बाद ना, उसके लिए वो लोग आदमी रखते ताकि वो मोर को भगा सके। जैसे हमारे साइड होता है वैसे इधर बिल्कुल नहीं होता कि यार खेत में लोग काम करते हैं, यहाँ पे खुद का काम खुद के खेत में खुद ही करना पड़ता है या फिर आजू बाजू जो रिलेटिव्स रहते हैं उनकी मदद से सारी चीज़ें की जाती है। फिर थोड़ा सा और सामने मैं, दीदी, जीजू ऐसे ही घूमते घूमते गए तो हम लोगों को घर के ऊपर से आवाज़ आ रहा था, हमने नोटिस किया कि वहाँ पर मोर अपना पिसारा फुलाकर मस्त मज़े कर रहा था। तो यही चीज़ मैं कैप्चर नहीं, इतने डिटेल में तो कैप्चर नहीं कर पाई, आईफोन नहीं है मेरा, बट जितना भी मुझसे हो सका मैंने कैप्चर किया और व्लॉग में डालने की कोशिश करूँगी, जल्दी आईफोन भी ले पाऊँ और अच्छे डिटेल में आपको सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। इसलिए बोलती हूँ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना, बहुत भर भर के कमेंट्स भी करना कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे करके। और आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये व्लॉग बहुत दूर दूर से या मैं जहाँ घूमने गई हूँ वहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक रेड हार्ट ड्रॉप करना कॉमेंट में, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग के कॉमेंट्स आएंगे। तो फिर उसके बाद हम जा रहे हैं भात लावनी के लिए, और ये हमारी खुशबू आज आती है। दीदी और जीजू की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा ही खराब थी इसलिए वो लोग भी पैकअप वैकअप करके घर पे क्या बैठना है, इसलिए हम लोग आ गए इधर। उसके बाद जो रूट्स गट्ठे बना के रखते जो लगाना पड़ता है पानी के साचे में, पानी की जगह पे, वो सब आत्या ले रही है साथ में।
और यहाँ पे ना आपको हर टाइप्स के बर्ड्स वगैरह सब, मतलब हरियाली की भी कमी नहीं है, बर्ड्स की भी कमी नहीं है, ना एनिमल्स की कमी होगी शायद तक, बट अभी तक तो कोई दिखा नहीं है हमें ऐसा घातको आपके लिए। तो ये सब लेके हम जा रहे हैं अभी अपनी खेत की, और जो ज्यादा दूर नहीं है। और ये मासूम सा कुत्ता, इसकी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना। इसने बताया क्या किया है, कल रात को साइड वाली जो दादी है उनके घर से मुर्गी चुरा के भगा के लेके गया, खा लिया होगा उसको, पता नहीं क्या किया, लेकिन मार दिया होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम खेत में पहुंच गए, जो ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 किलोमीटर, आई थिंक 100-200 किलोमीटर नहीं, सॉरी 100-200 मीटर पे ही है। और भात लावनी करते वक्त एक चीज का आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब आपका पैर पानी में रहता है ना इतने टाइम तक, कितना टाइम लगता है वो आपको नहीं पता, बट इतने टाइम तक जब पानी में पैर रहता है तो बॉडी उस चीज पे रिएक्ट तो करेगी ऑब्वियसली, ठंडी चीज के साथ है बॉडी में वात बढ़ता है। इसलिए फार्मर्स हर कंडीशन के साथ ना डील करते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे दुकाल हो, उनको करना ही पड़ता है, तब जाके हम लोग को वैरायटी ऑफ फूड मिल पाता है या अच्छी ऑर्गेनिक खेती हो पाती है। अरे हाँ, ऑर्गेनिक खेती से याद आया, इधर जो भी खेती होती है ना वो सारी ऑर्गेनिक पद्धतियों से होती है, कोई भी केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स इधर नहीं यूज किए जाते। इसलिए अगर मुझसे इस व्लॉग में कुछ गलत बोलने में आता है तो प्लीज करेक्ट मी, अगर उधर साइड के कोई भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो बताइए कि उधर साइड का, और डिटेल में जानकारी दीजिए, मैं जानना पसंद करूंगी। यहाँ पर दीदी को लगा कि चलो मैंने भी करना चाहिए, और एक एक्सपीरियंस होता है कि खुद से करने के बाद वो कैसी लगती है ना वो चीज, तभी समझ में आता है कि आगे वाला किस चीज से डील कर रहा होगा। तो उसे करने की इच्छा थी तो मैंने बोला चल ठीक है, और वो गई। फिर थोड़ा सा लगता तो है क्योंकि इसके पहले उसने ऐसा कभी किया भी नहीं है, ये उसका फर्स्ट है। नहीं होता है तो दिखाई भी नहीं देता, नीचे जमीन कितनी अंदर है और उतना अंदाजा नहीं आता है, तो वो थोड़ा झिझक रही थी, बट ठीक है कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस जरूरी होता है। और आत्या थी संभालने के लिए, आत्या तो देख ही रहे हो आप कितने एक्सपीरियंस के साथ सब काम चल रहे हो। अड़कून बसशील पाण्यात पमाती इतने सालों से हमने वही चीज की है, तो उनको पता है कहाँ पर क्या चीज, मतलब बिना देखे भी वो अंदाजा लगा सकते हैं हर चीज का। तो ऐसा ही सब होते हुए ये सब भात लावनी का प्रोग्राम हो गया हमारा, इसको कम से कम आधा पौन घंटा लग गया। इतने टाइम में तो आराम से दोनों ने लगा ली सब, जितने भी रूट्स थे बचे हुए वो सारे लगा लिए पानी में। चीज़ें धीरे धीरे सीख जाते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है कोई चीज़ करने में तो आप धीरे ऑब्वियसली चीज़ें सीख जाते हो, और उतना ही आपको फिर उसमें डेडिकेट करना पड़ता है खुद को सीखने के लिए भी। इसलिए कोई भी चीज़ आसान है फार्मर्स के लिए वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा खेत में मोर आते हैं, तो घर के पीछे साइड जो खेत है ना वहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको एक आदमी, और वो घर का ही होना चाहिए क्योंकि इनके साइड में ऐसे कामगार नहीं मिलते या मजदूर नहीं मिलते, जो लेबर्स जो बोलते हैं वो जो खेत में काम करते हैं, जैसे हमारे साइड में मिलते हैं रोजी के हिसाब से लोग मिलते हैं खेत में काम करने के लिए, वैसा इधर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे खुद करो, खुद की खेती है तो आजू बाजू के रिलेटिव्स आपको हेल्प करते हैं, फिर आपको उनके टाइम पे उनको हेल्प करना होता है। ऐसे इधर साइड में खेतियाँ चलती है, ऐसे ही उत्पादन होता है इधर साइड में। अगर इससे कुछ हटके होगा तो लेट मी नो। और फिर से मैंने आपको इसमें मोर दिखा रही हूँ, ये सब ना खेत में आते जाते रहते हैं जब भी इनको थोड़ा सा आवाज़ आए। और इनकी एक स्पेसिफिक बात जो मैंने नोटिस की, और दीदी ने भी मुझे बताया कि ये जब आते तब बिल्कुल आवाज़ नहीं करते, रुकते बहुत टाइम तक रुकते भले, बट जाते वक्त ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के बताते हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो अगर आप उनका आवाज़ आने के बाद भाग के जाते हो तब तक वो चले जाते। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए बहुत टाइम, मतलब इतनी बार तो मैं फेल हो गई उनको कैप्चर करने में, दिखे ही नहीं और आवाज़ तो आ रहा था। बहुत टाइम के बाद फिर मुझे ये कुछ 2-3 शॉट्स मिले जिसमें मैं अच्छे से उनको कैप्चर कर पाऊँ और आपको ये सीन दिखा पाऊँ, इधर का पूरा व्यू दिखा पाऊँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे याद से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए बेल आइकन के बटन दबा दो ताकि आप मिस ना कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये व्लॉग शेयर करना ताकि और भी अपडेट्स मिलती रहे। और मैं फिर से कल महाबलेश्वर वाला व्लॉग डालने वाली